करे बादल जल बरसा गगन पुष्प वर्षा करे बादल जल बरसा गगन पुष्प वर्षा करे। संगीत है ईश्वर की शक्ति हर सुर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए राग मधुर रोगी को मिले आराम, ये हमारे बुजुर्ग कह गए हैं। तो हम जिस हस्ती का जिस संगीतकार का तारुफ आपसे यह भेंट करा रहे हैं, मैं इतना अर्ज़ करूंगा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं भी इनसे कुछ सीखता। ये इतने जानकार इतने ज्ञानी मधुसूदन जोशी साहब, इनके गुरु फिर फैयाज खां साहब बड़ौदा वाले, अता खां साहब, निसार हुसैन खां साहब जो तानसेन के घराने की आखिरी कड़ी थे, निसार हुसैन खां साहब उनके शागिर्दों में से ये, इन्होंने ऐसे अजीम ऐसे महान कलाकारों से इल्म हासिल किया, विद्या हासिल की है, जो कि हम इनका नाम लेते हुए फख्र गौरव महसूस करते हैं अपने आप को कि हम इनका नाम ले रहे हैं। श्रीनिवास खेड़े साहब, ये साहब आज आपके सामने जो गीत पेश कर रहे हैं, जो सुगम संगीत के नाम से पेश किए जा रहे हैं, दरअसल उन्होंने इनको क्लासिकल रंग में पेश किया है। मैंने सुने वो गीत तो मेघ के रंग में, तो और कई रागों के मिलाप से, तो ये ऐसे गीत इन्होंने बनाए, कविता कृष्णमूर्ति या सुरेश वाडकर, इन लोगों को इन्होंने ऐसा गवाया है कि मैं समझता हूँ वो शायद कभी ऐसे नहीं गाए होंगे, इतना खूबसूरत इन्होंने गवाया, तो ये इसमें इनका कमाल है। श्रीनिवास खेड़े साहब, ये हमसे बहुत कम मिले हैं पर्सनल रूबरू, लेकिन संगीत के ज़रिए हमारी इनसे मुलाकात होती रही है। HMV में काफ़ी इन्होंने काम किया है और मराठी फिल्मों में भी आपने संगीत दिया है, लेकिन इनका एक एक कंपोजिशन लगता है कि ये इसमें हमारी धरती की आत्मा धड़क रही है। श्रीनिवास खेड़े साहब, हाँ। आपने जो गीत पेश किए हैं जी। मैंने सुने, वो साहब बेहतरीन हैं, और आपने वो जो एक सोलो गीत इनको गवाया है, मेल सॉन्ग जो है सुरेश वाडकर साहब को, वो आपने किस राग में उसकी बंदिश की है? वो मेघ राग में मैंने किया है। गगन पुष्प वर्षा करे बादल जल बरसाए गगन पुष्प वर्षा करे बादल जल बरसाए गगन पुष्प वर्षा करे ये सावन की बरखा है ये सावन की बरखा है मन हर्षित हो जाए गगन पुष्प वर्षा करे बादल जल बरसाए गगन पुष्प वर्षा करे। जीव जीव को प्राण मिला है जीव जीव को प्राण मिला है पौधों को हरियाली पौधों को हरियाली प्राणों में तरुणाई आई प्राणों में तरुणाई आई हर कपोल पर लाली हर कपोल पर लाली प्रभु की सुंदर रचना है प्रभु की सुंदर रचना है देख हृदय हर्षाए गगन पुष्प वर्षा करे बादल जल
बरसाए गगन पुष्प वर्षा करे। प्यासी प्यासी धरती को जीवन दान मिला है, प्यासी प्यासी धरती को जीवन दान मिला है, सरिता में जल की धारा है, सरिता में जल की धारा है, जल में कमल खिला है, जल में कमल खिला है। सारे पंछी आकुलाने थे, सारे पंछी आकुलाने थे, सबकी सब मुस्काए गगन पुष्प वर्षा करे। बादल जल बरसाए गगन पुष्प वर्षा करे। ये नौशाद साहब, ये गाना नारायण अग्रवाल जी ने लिखा हुआ है और वो मैंने राग मेग में किया है। राग मेग में? जी जी भाई, ये किस्से और कहानी बन के रह गए हमारे, ये राग कि रागों से वर्षा होती थी, दीपक से दिए जलते थे, और जनाब ये तमाम जो किस्से हैं आज लोग किस्से कहते हैं, दरअसल ये हकीकत थी। और आपने आज राग मेघ में ये बंदिश जो की है, तो हमें वाकई अपने पुराने उस्तादों की याद आई कि वाह वाह, क्या क्या ये हमारे संगीत की बातें थीं। आज ये वाकई एक अफसाना और किस्सा बन के रह गया है। आज ऐसे गीत जिसमें हमारी पहचान, जिसमें हमारी तस्वीर झलकती है, जिसमें इस धरती की मिट्टी की खुशबू आती है, ये गीत आज नापैद हो गए। आपने जो ये गीत बनाए हैं, इनको सुन के हमें वाकई खुशी हुई। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं दिल की बात कह रहा हूँ। मेरे जो होंठों पर है वही दिल में है। मुझे मौका मिलता तो मैं भी आपसे कुछ हासिल करता, सीखता, और हम जिंदगी भर ऐसा एक गीत नहीं बना सके जैसे आपने गीत कंपोज किए हैं। फिर यही नहीं, आपने महान क्लासिकल गायक भीमसेन जोशी साहब जी, हमारी फिल्मी मैदान की बेहतरीन गायिका लता मंगेशकर से जो आपने भजन गवाए हैं, जो गीत गवाए हैं, वाकई बाकमाल है। तो ये साहब आपके सर पर सेहरा जाता है कि आपने ऐसे बड़े बड़े कलाकारों को ये ऐसे गीत, ऐसे भजन बना के दिए हैं, ये आपने उनकी इज्जत में इजाफा किया है। तो और आपने एक डुएट कसम का भी इसमें गीत दिया है। वो जो गाना है वो सरस्वती कुमार दीपक जी जो जी। अभी है नहीं हमारे में, वो उन्होंने लिखा हुआ है, बरसात हो रही है। वाह वाह। हाँ, तो वो मैंने क्या किया है, शुरू में जो कोस के ढंग से गाएगा। हाँ, जो कोस जी जी जी, और फिर पंचम से उसके राग की शक्ल बदलती, शक्ल बदल जाती है, बदल जाती है जी। ये टेक्निकल चीजें हैं जी। ये साहब आपने जो काम किया है, ये गीत आपने ऐसे कंपोज किए हैं, मैंने सुन के ये सोचता रहा कि ये गीत जो हैं ये टीवी सेंटर को आर्काइव्स के लिए यादगार के तौर से रखना चाहिए। आपने इन कलाकारों से, इन गायकों से जो इस तरह से गवाया है, जो एक्सप्रेशन दिलवाए हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम आपने किया है। बरसात हो बरसात हो रही
अंधेरा कोई मुझे बता दे, कोई मुझे बता दे, कोई मुझे बता दे, मेरा कृष्णमूर्ति से जो आपने गवाया है गीत, वो भी बड़ा दिलकश है। वो आपने किस राग में किया है? वो क्या चैन पड़े मन को जी, ये जो गाना है वो आपने
कैसल जाफरी साहब ने लिखा हुआ है। कैसल जाफरी साहब जी, जी। और वो मैंने ठुमरी के ढंग से बहुत खूबसूरत किया है, बनाया, वाकई बहुत खूबसूरत है, और उसमें वो ठुमरी का अंग झलकता है। और क्या किया है, पहले तो वो यानी पहाड़ी के ढंग से किया है, और समझो कि उसका गंधा सज्ज कर लिया तो पूरिया के अंग से हो जाता, और राग की शक्ल ही बदल जाती है। ये बहुत टेक्निकल बात जी, है जी। और ये वाकई आपने इसमें बड़ी गहरी बात की है कि वैसे उसमें पहाड़ी, हाँ जी, और पहाड़ी जी, इस तरकीब से आप लाए हैं कि वो पहाड़ी के जो सुर लगता है तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल को छू जाए। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे देसी संगीत में ही मिलती हैं हमको, और ये बस ये है कि आज आप जैसे लोगों की ज़रूरत है हमारे देश को, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को। हम दुआ करते हैं कि हमारे फिल्म प्रोड्यूसरों को के इतने कुछ समझ बूझ अकल दे खुदा कि आप जैसे लोगों की कद्र की जाए। आप हमारे लिए एक सरमाया हैं, आप एक नेशनल प्रॉपर्टी है हमारे लिए। आप जैसे कलाकार आज कहाँ हैं भाई? तो ये मैंने जैसे अर्ज़ किया था वो दिल से, मुंह से नहीं, महज ज़बान से नहीं, कि मुझे मौका मिलता है तो मैं भी आपसे कुछ हासिल करता, सीखता, और हम जिंदगी भर ऐसा एक गीत नहीं बना सके जैसे आपने गीत कंपोज किए हैं। I'm not afraid.
आप इसके अलावा भी आपने गीत दिए हैं। फिर आई बरसात, वो भी कैसर जाफरी साहब का ही लिखा हुआ है। वो उसकी अस्थाई और पहला अंतरा मालकोंस के ढंग से किया हुआ है, और फिर दूसरा अंतरा राजस्थानी फोक के हिसाब से किया हुआ। बहुत अच्छा। और वो वृंदावनी सारंग के ढंग से किया हुआ। बहुत अच्छा, उसमें आपने ये मिक्सअप किया है और बेहतरीन, ऐसे कि कहीं जर्क नहीं आता है कि कहाँ मालकोंस और फिर राजस्थानी फोक, उन दोनों को इस तरह से आपने मिलाया है कि कहीं झटका नहीं आता है। यही एक उस्तादी की बात होती है कि दो रागों को अगर इस तरह से मिलाए इंसान कि मालूम ना हो कि ये कैसे यहाँ से राग बदला है, यही उस्तादी है और वो आपके पास है और आपने वो आप इसमें इन गीतों में दिखाया है। रिमझिम बरसे फिर आए बरसात फिर आए।
बादल कोई चीज नहीं है, बादल कोई चीज नहीं है इन जुल्फों के आगे, इन जुल्फों के आगे। मैं थोड़ा सा रूप चुरा लूं, मैं थोड़ा सा रूप चुरा लूं, अगर बुरा ना लागे, अगर बुरा ना लागे। मैं अल्लड़ अनजान हसीना, मैं अल्लड़ अनजान हसीना, लाज से मर मर जाऊं, लाज से मर मर जाऊं, उल्टी सीधी सपने देखूं, उल्टी सीधी सपने देखूं, घूंघट में शर्माऊं, घूंघट में शर्माऊं। गूंगों की आस बंधी है, दो बूंदों की आस बंधी है, गहरे सागर से फिर आई बरसात, दिन देखे नारात बदरिया, रिमझिम रिमझिम बरसे फिर आई बरसात।